अंबिकापुर में राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय का निर्माण कार्य लॉकडाउन में बड़े जोर शोर से चल रहा है। प्रभारी मंत्री शिव डहरिया के मार्गदर्शन में बन रहे कार्यालय में अचानक विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। कांग्रेस में एक गुट ने बता दी कार्यालय का काम रुकवा दिया, लेकिन कांग्रेस का दूसरा गुट काम चालू करवाने पहुंच गया। कांग्रेस कार्यालय का निर्माण कार्य कुछ देर के लिए रुका रहा और आपसी समझौते के साथ काम फिर शुरू हो गया। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सामने आई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि गुणवत्ताहीन निर्माण किए जाने का पर काम बंद यहां करवाया गया था। उनकी श्रद्धांजलि दिवस थी और हम लोग कार्यालय के काम में थोड़ा व्यस्त थे और यहाँ ढलाई चालू हो रही थी, लेकिन गिट्टी बहुत ही स्तरहीन था, पूरा डस्ट था और चिप्स था। ठेकेदार ने जो माल गिराया था उस पे बहुत ज्यादा आपत्ति थी और फिर मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष शहर ग्रामीण आदरणीय जितेंद्र भैया, जो कि गिट्टी के ही व्यवसायी भी हैं और जिला प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं, इनके साथ में चर्चा करने के बाद हमने काम को रुकवा दिया और तुरंत जितेंद्र भैया ने अपने क्रशर से नई गिट्टी भेजी और वो गिट्टी आया और अब काम फिर से चालू हो गया। क्वालिटी की जवाबदारी हमारी है तो उसको निभा रहे थे। अभी हम लोग को भी फोन पे सूचना मिला कि काम बंद हो गया, हम लोग तत्काल उसको देखने पहुंचे। यहाँ कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का शिकायत था कि गिट्टी की क्वालिटी सही नहीं है, और जब बड़े स्केल पे काम होता है तो उसमें छोटा छोटा डस्ट और गिट्टी के साथ आना स्वाभाविक है, और जब उसको पंजे से उठाते हैं तो वो पार्टिकल जो है ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाता है और कहीं उससे कुछ इस भवन को नुकसान नहीं है। और जो निर्माण कराने वाले ठेकेदार हैं खुद वो इंजीनियर हैं, तो उस बात का पूरा सावधानी रख रहे हैं और इतने तीव्र गति से काम कर रहे हैं। धीरम की श्रद्धांजलि दिवस थी